गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कैसे आप बचे हुए चावल के साथ आप कैसे फ्राइड राइस की रेसिपी बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम जितने भी न्यू वीडियो बनाएं सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ले लिया है और उस पर मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच तेल भी डाल लिया है। यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और 3 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है, और 10 लहसुन जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अगर आप ज़्यादा लहसुन नहीं खाते तो आप इसमें कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ मिर्ची को भी मैंने काट लिया है। तो अब यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे तो चटकने तक तेल में ऐसे ही छोड़ेंगे। तो जो हमारा जीरा है वो धीरे धीरे चटकना स्टार्ट हो गया है, उसको थोड़ा सा हम हिला देंगे। अभी मैं यहाँ पे सारी मिर्ची को डाल दूंगी। इसके बाद यहाँ पे हम लहसुन को भी डाल लेंगे और इन लोगों को थोड़ा सा गोल्डन करेंगे। उसके बाद प्याज डालेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें प्याज को डाल देंगे। तो अब हम सारे प्याज को इसमें डाल देंगे। तो अब हम इसको चला लेंगे 2 से 3 बार अच्छे तरीके से, और प्याज को भी अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको और एक बार अच्छे तरीके से चला लूँगी। हम गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। यहाँ पर थोड़ी देर बाद देख सकते हैं हमारा जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। तो इसको हम और 1 मिनट के लिए बस पकाएंगे, लेकिन हम लोग को जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम ही रखना है। यहाँ पर मैंने सोया सॉस 2 बड़ा चम्मच लिया है, ग्रीन चिली सॉस 1 टेबल स्पून, रेड टमेटो सॉस 2 टेबल स्पून, और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे सोया सॉस, टमेटो सॉस और ग्रीन चिली सॉस को। और मसालों के साथ प्याज को थोड़ी देर हम पकने देंगे, और नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून। अच्छे तरीके से सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। 1 मीडियम साइज लेमन को हमने यहाँ पे उसका जूस निकाल लिया है, अब उसको भी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि उसका जो खट्टा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। चाट मसाला 1 चम्मच। अभी हम यहाँ पे पका हुआ चावल डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पहले से ये पका हुआ चावल है, हमारा चावल का कलर कितना अच्छा आया है, कितना डिलीशियस और टेस्टी दिख रहा है। तो हमने अभी इसको सारे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है मसाले और चावल को, और अभी भी हम फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे। और बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा चावल जो अच्छे तरीके से पक चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। वाले हैं चावल को साथ